हम तीनों हेडरेस्ट का कवर लगा के देते हैं। अच्छा, तीनों हेडरेस्ट का प्रॉपर कवर लगा, प्रॉपर कवर मतलब आपके सीट कवर में इंक्लूड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ सुभाष कार स्टूडियो पे और आपके सामने लेके आ चुका हूँ फिर से एक और नई सोनेट बेस मॉडल। और यहाँ मेरे साथ में सुभाष भाई, कैसे हो? बढ़िया भैया। तो आज हम क्या क्या दिखाने वाले हैं? सारा काम, सारा कुछ बिल्कुल बेस मॉडल था। तो ये अलॉय जो इसके अंदर देख पा रहे हो भाई, अब ये आफ्टर मार्केट वाले हैं भैया या कंपनी से आते हैं? आफ्टर मार्केट है भैया, लेकिन डिजाइन सेम आपका किया वाले है, किया वाले डिजाइन है। तो मतलब ये पहले तो आपको पता ही है कि बेस मॉडल के अंदर अलॉय जो है वो नहीं आते हैं, बट यहाँ पर आपको अलॉय देखने को मिल रहा है। इसके अंदर अलॉय की मतलब लुक देख लो गाड़ी की ना, अलॉय लगती है, चाहे कोई भी अलॉय लगा लो, कंपनी वाले लगा लो या कैसे भी लगा लो, आपके अलॉय लगने के बाद गाड़ी की जो लुक है वही बिल्कुल डबल हो जाती, डबल हो जाती है ना, एक नंबर हो जाती है। उसके बाद तो फिर डिपेंड करता है कि आप धीरे धीरे क्या क्या चीजें लगवा रहे हो। जैसे इस गाड़ी के अंदर हमने इंस्टॉल किया, भाई बताएंगे क्या क्या लगाया हमने। आइस क्यूब वाला लगाया है, ठीक है, लॉन्ग वाली डीआरएल पहले भाई लगाते थे, सिर्फ हेडलाइट वाली है ना, लंबी वाली लगा देते हैं। तो लंबी आई देख लो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। अच्छा, 130 वॉट की मिशिगन की एलईडी आपने इंस्टॉल की है। और ग्रिल पियानो तो हमने जब से करनी शुरू करी है, हर कस्टमर हमारे पास करवाते हैं, ठीक है। फ्रंट साइड से मतलब पूरी इसको टॉप बना दिया है, इसमें हमने ग्रिल लगाया, पियानो पियानो ग्रिल हो गया अपना जो कि अपन करते हैं, ठीक है, नीचे क्रोम हो गया, ओके। तो आपका जीटी लाइन वाली टेपिंग, ये टेपिंग भी हमने करी है, नहीं करी। तो इस टेपिंग से मतलब ये टॉप मॉडल में टेपिंग होके आती है पहले से? फ्रंट साइड में काफी कुछ काम हो गया यार, और गाड़ी का जो लुक है ना वो भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बात करते हैं इसके हेडलाइट के रिस्पांस की, तो काफी अच्छा रिस्पांस अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा, बहुत अच्छा है। और ये जो लाइट अभी है ये इंडिकेटर पे वर्क करेगी, ये डीआरएल सिर्फ ये वाइट जलेगा, चाबी ऑन करते ही ऑन हो जाएगा आपका। दिन में भी जलेगा या रात में भी? कैसा होगा? अच्छा, पहले पॉइंट पे आपके ऑन हो जाता है, दिन में नहीं चालू होगा, मतलब ऐसा ना, मर्जी अगर आप चलाना चाहो तो पहला पॉइंट करके चल सकते हो आप, लेकिन गाड़ी का जो लुक है ना वो फ्रंट साइड से तो काफी अच्छा हो गया। तो यहाँ साइड में क्या लगा भैया? लोअर गार्निश का क्रोम और हैंडल क्रोम भी लग गया, रेन वाइजर विद क्रोम है ना, रूफ रेल लगा दिया आपने, ओके, साइड बिडिंग भी हो गया, सोनेट वाला है अपना, यहाँ पे सोनेट की आपको बैजिंग भी मिल जाती है। ये चीज है भाई, मतलब साइड से पूरी क्रोम वाली कर दिया हमने गाड़िया ना, तो कभी कभी क्रोम भी अच्छे लगते हैं भाई, देख लो कैसे बढ़िया लग रहे हैं। इसमें क्रोम भी आता है और ये साइड बिटिंग ब्लैक में भी आती है ना, ब्लैक में ग्लोसी में आता है, लेकिन ग्लोसी अच्छा लगता है, ग्लोसी अच्छा लगता है, ग्लोसी अच्छा लगता है। बाकी देख लो आपको सारा कुछ ना जो कॉम्बिनेशन मिल गया इसमें, क्रोम वाला मिल गया, अगर आपने क्रोम लगवाना है वो भी लगवा सकते हो। ये वेंट भी है इसमें पहले से आता है, कंपनी देती है ना। और ये वाला जो होता है ये भी कंपनी से ही है, कंपनी किया का है ना, उसका जीएफएक्स मिलेगा, जीएफएक्स मिलेगा आपका, किया देती है यहाँ पे किया। अगर ये आप हमसे लगवाना चाहते हो तो जीएफएक्स या और भी आईपॉप वगैरह आती है, और अगर आप कंपनी से पहले से लगवाना चाहते हो, ये अच्छा लग रहा है तो आप कंपनी से इंस्टॉल करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं इस गाड़ी के बैक साइड की, तो यहाँ देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लगेगी गाड़ी भाई। इस गाड़ी में सबसे अच्छी खास बात यह है कि सबसे पहले ना जैसी इसकी जो सेंटर वाली लाइट होती है वो लग जाती है, पहले तो बंद आती है ना, डमी आता है, उसके बाद जैसे हम इसको चेंज करके लगा देते हैं, रिफ्लेक्टर लगाया, ठीक है, रिफ्लेक्टर हो गया। रिफ्लेक्टर में हमारे पास कितने ऑप्शन है? तीन डिजाइन है ना, एक सोनेट लिखा हुआ है, एक ये वाला, एक एरो वाला है, ठीक है, उसके बाद फिर से जीटी लाइन वाला, ठीक है, और ये डिग्गी वाली, ये भी है कंपनी का, ये हमारे अवेलेबल हो जाएगा। तो अपने पास जो होगा यही क्वालिटी होगा, कैसा होगा? एबीएससी होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कैमरा, भैया ने इंस्टॉल कर दिया, तो कैमरा कौन सी कंपनी का भैया? एडिसन का। चलो ये बहुत अच्छी बात है भाई, गाड़ी का मतलब बैक साइड भी भाई ने जैसे फ्रंट तैयार किया ना वैसे ही बैक भी तैयार कर दिया। तो यहाँ पे आपके सेंटर लाइट हो गए, सेंटर लाइट में कई सारे ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, जितना आपकी टेल लाइट में ऑप्शन नहीं होता उससे ज्यादा आपको यहाँ मिलते हैं। और ये आपकी एलईडी होती है, यहाँ पे ये बल्ब जल रहे हैं, बट यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एलईडी वाला सीन है। इसके एक बार भैया वर्किंग वो दिखा दो, एक बार चालू करके दोबारा से कैसा लगेगा। अब देखो भाई कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो इसके जो नीचे वाले रिफ्लेक्टर है वो भी आप कैसी वर्क कर रहे हैं, सेम बिल्कुल इसके साथ, ठीक है ना। और इसमें आपको इंडिकेटर वगैरह सारी चीजें वैसी वैसी काम करती, चाहे इंडिकेटर ले लो, ब्रेक ले लो, या फिर आप अपनी पार्किंग ले लो, सारा कुछ आपका बढ़िया चलेगा। और गाड़ी का जो बैक साइड का लुक है कुछ ऐसा आपको लुक देखने के लिए मिल जाएगा, ये काफी अच्छी चीज है। इसके बाद बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या काम हुआ है। तो सुभाष भाई यहाँ पर क्या क्या किया आपने? डोर रैप भी है, ये वाला जो होता है लेदर रैप होता है ना, लेदर रैप, और ये बिल्कुल टॉप मॉडल में हमने दिखा रखा है, टॉप मॉडल में होके आता है ऑलरेडी, ठीक है। सॉरी, हमने अलग ही डिजाइन जीटी लाइन वाली लगाई, जीटी लाइन वाला बिल्कुल अलग ही डिजाइन, कस्टमर का चॉइस था, इसने हमने अलग ही डिजाइन इसमें बनाया अलग, ठीक है। तो काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है भैया, जीटी लाइन में पहले पाइपिंग डालते थे, अब कस्टमर ने जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट आपने इसको कस्टम कर दिया। अगर आपके भी मन में कुछ और है ना कि हमको इस तरह का सीट कवर चाहिए, हमने कहीं ऑनलाइन देखा है, तो भाई की खुद की फैक्ट्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी बनवा लो ना, चार घंटे में हाथ वाला, जब तक अभी गाड़ी तैयार होगी तब तक अभी सीट कवर भी ओके हो जाएगी। सबसे पहली बार हमने गियर नॉब भी लगाया, अच्छा गियर नॉब भी लगाई है, तो और टॉप एंड हो गई है, टॉप एंड इसमें सब कहता है टॉप मॉडल, लेकिन हमने उसे अलग ही लगाया, सीट कवर के मैचिंग के साथ लगाया इसमें। अच्छा मतलब ये गियर नॉब में भी आपने ये कपड़ा से जो लगा है वो लगाया, पूरा गियर नॉब चेंज किया, पूरा गियर नॉब चेंज किया, और ये स्टिचिंग वाला पार्ट इसमें आता है पहले से,
अच्छा तो अब ये गाड़ी के उससे ना मैच भी कर रहा है क्योंकि इसमें स्टिचिंग भी रेड है ना वो रेडी है भैया। ये दोनों मिल रहे हैं आपस में। आर्मरेस्ट भी आपका है प्रॉपर ये भी आपने रैप करा स्टीयरिंग रैप भी आपका डुअल टोन में है ठीक है तो स्टीयरिंग भी चेकआउट कर लो आपका स्टीयरिंग हमने ये भैया कौन सा डिजाइन नॉर्मल डिजाइन है बिल्कुल नहीं नॉर्मल नहीं है भैया ये मून डिजाइन है मून डिजाइन है बट ब्लैक में है पूरा ब्लैक में रेड है मून डिजाइन विद ब्लैक है तो अभी गाड़ी में बैठूंगा तो दिखा दूंगा आपको और क्या हो भैया पावर विंडो सेंटर लॉक पावर विंडो सेंटर लॉकिंग और अपना ये जो ऊपर लगता है ना अपना सनग्लास होल्डर तो ये भी है सनग्लास होल्डर देखो भाई कितने सनग्लास होल्डर में देखो भाई कितने सारे ऑप्शन आते हैं एक आपका ऑप्शन आता है यहाँ से ऐसे खुल जाएगा दूसरा ऑप्शन आता है आपका यहाँ से लाइट बंद कर लो अभी गेट खुला हुआ है तो बंद नहीं होगी और यहाँ पे आता है अगर आप कल को अपनी ये सनरूफ लगवाना चाह रहे हो अगर कल को अगर आप अपनी सनरूफ लगवाना चाह रहे हो तो यहाँ पे बटन भी दिया हुआ कल को आप इसे वर्किंग भी करवा सकते हो। इसके बाद की बात करते हैं पावर विंडो की तो यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैक साइड में भाई ने पावर विंडो लगा दिया OEM टाइप देखो वैसे ना इसकी पावर विंडो में आपको खर्चा करना पड़ेगा ज्यादा अगर आप इसका पूरा गत्ता वत्ता चेंज कराते हो ये डोर पैनल अगर हम चेंज कराएंगे कितना खर्चा आ जाएगा 34,000-35,000 का और वैसे अगर हम इस चीज में कर देते हैं ना एक छोटी सी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि वो आता है यहाँ से यहाँ तक का और ये आपका छोटा सा ऑलरेडी आता है यहाँ पे भैया OEM टाइप बना देते हैं बढ़िया इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ देने पड़ते हैं 5,500 और 3,500 में समझ लो कम से कम पता नहीं कितने 30,000 का फर्क आ गया सीएसी ना मोटा मोटा उसके बाद इंस्टॉलेशन उसमें अलग होती है लेकिन यहाँ पर आपको 5,500 में भैया दे रहे हैं इसको बिल्कुल फिक्स करके लगा करके वाले देखो पहले देते हैं हमें एड्रेस भी नहीं देता था अब अच्छा हमने एड्रेस भी दिया तीन अच्छी चीज है कंपनी ने दिया पहले कंपनी ने दिया उसके बाद हम तीनों एड्रेस का कवर लगा देते हैं। अच्छा तीनों एड्रेस का प्रॉपर कवर मतलब आपकी सीट कवर में इंक्लूड है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें ना ये चीज है तो ये समझ रहे हो स्टॉक होता है हाँ पहले ये नॉर्मल आता था सीधा सीधा ना रेडी स्टॉक में होता है रेडी स्टॉक में होता है तो अगर आप जो गाड़ियां आ रही है नई नई क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है तो आप गाड़ियों के अंदर ये जो एड्रेस आएगा ना इसकी मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें हमने वापस से पन्नी जरूर चढ़ा दी जैसे सीट कवर थे ना पन्नी चढ़ा दी पहले नॉर्मल देगा जो विद एयर बैग है तो ये एयर बैग की पहचान जो होती है ना भाई यहाँ से होती है ठीक है तो ये जो सीट कवर हमने इंस्टॉल किए हैं ये वाले हैं बिल्कुल एयर बैग वाले यहाँ पे कभी आपका एयर बैग खुलता है तो ये जो स्टिचिंग है खुल जाएगी और आपका एयर बैग बाहर आ जाएगा ना तो ये एयर बैग के साथ है आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है और पीछे यहाँ पे भैया ने पॉकेट भी दे रखी है कल को कोई सामान रखना तो वो भी रख सकते हो इवन इसके अंदर इंस्टॉल किया 70 मैट है ना 70 मैट भैया ये वाले 70 मैट है और इसमें आपको एक और मैट आते हैं वो भी लगवा सकते हैं GFX मतलब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लगवाना चाहते हो ना गाड़ी काफी अच्छी लग रही है और इसके अंदर एक दो चीजें और लगवा सकते हैं जैसे कि एम्बिएंट लाइट वगैरह हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं सबका अलग अलग होता है। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो कुछ गाड़ी भाई जो कि भाई भैया ने बना दिया बिल्कुल बेस्ट टू टॉप बात करते हैं और टॉप मॉडल GTX आता है इसका GTX आता है अच्छा और पीछे को XL इन्फिनिटी का ये वो भी मतलब ये काफी अच्छी बात है इसकी आवाज बता रहा हूँ अच्छी आएगी और ये म्यूजिक प्लेयर कौन सा भैया उसके एंड्रॉइड है आपका एंड्रॉइड मेगा सोनिक 4/32 है मतलब 4 GB की रैम समझ रहे हो लोग 1 GB भी ढंग से नहीं लगा रहे लेकिन भैया यहाँ पे आपको 4 GB लगा के दे रहे हैं उसके बाद में एप्पल कारप्ले भी है और आवाज वगैरह सारे कुछ एक नंबर है और यहाँ पर देख लो भाई स्टीयरिंग क्रूज भी भैया ने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया तो यहाँ पर जो क्रूज है ना जैसे आप क्रूज का बटन दबाओगे मैं वहां से आता हूँ और आपको ना दबा के दिखाता हूँ सारी चीज चलेगी और इसका ना साउंड सिस्टम भी चेकआउट करा देता हूँ चेकआउट कर लो भाई ये कुछ स्टेयरिंग है इसकी और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल आपका वर्किंग है जो कि आपके मीटर में यहाँ पे आपको नजर भी आता है क्रूज कंट्रोल वर्किंग ये भैया लगाए थे दोनों चीजें भैया 3,500 कितना होता है विद पियानो के ब्लैक के साथ विद पियानो ब्लैक के साथ ये पियानो वाला आपका लगा हुआ है विद पियानो ब्लैक के साथ आपको लग जाएगा उसके बाद ये सारे जो बटन है परफेक्ट काम करेंगे अब मैं गाना प्ले करता हूँ एक बार आवाज सुन लो भाई कितनी ज्यादा बढ़िया है और एप्पल कारप्ले चल रहा है भाई आवाज जो है ना गाड़ी की एक नंबर आ रही है बेस सबसे अच्छी बात है जो हम लगाते हैं उसके अंदर बेस परफेक्ट आता है और सोनेट जैसी गाड़ी में काफी अच्छी बात है भैया इसमें डैम्पिंग भी करी आपने अच्छा तभी मैं कहूँ इसमें बेस जो बेसी नॉइज आ रहा है क्यों आ रहा है तो डैम्पिंग आपने कहाँ कहाँ पे करी है चारों डोर डिक्की
चारों डोर और डिक्की भी करी आपने, तो चारों डोरों में स्पीकर जब लगा अपना कंपोनेंट जो लगा तो बेस अपना डबल लेयर होती है, डबल लेयर होती है, बाहर भी होगी और इस साइड भी होगी। तो भाई इस गाड़ी के अंदर डैम्पिंग भी हुई है ताकि आवाज़ जो है वो और ज्यादा इनहांस होकर आ रही है, इतनी बेसी नॉइज आ रही है, इतनी बढ़िया आ रही है, मतलब फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है। आप गाड़ी के अंदर जब बैठे हो, कंपनी से तो मैं कह रहा हूँ अच्छी ही आवाज़ है, इनफैक्ट आप कल को अगर अपने एम्पलीफायर के साथ अपग्रेड करना चाहते हो तो इन्हीं स्पीकरों को आप अपग्रेड कर सकते हो एम्पलीफायर पे भी, है ना, कोई हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस एक बेस ट्यूब लगाओ, एक एम्पलीफायर लगाओ, इसी स्पीकर की आवाज डबल से ट्रिपल हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया, बहुत तेज आएगी, इतनी तेज आएगी कि आप शीशे खोलोगे तो भारत के बाद बहुत दूर तक जाएगी। बहुत सारी गाड़ी में करा हमने, तो ये कुछ थी गाड़ी अपनी जो कि भाई परफेक्टली तैयार हो गई है, बिल्कुल बेस जो आती है ना अपनी एच टी ई मॉडल आती है, जी टी एक्स बना दिया आपने इसको टॉप एंड, और ये वो भी आपने इसको कौन सा जी टी लाइन होता है ना, जी टी लाइन का आपने वो भी दे दिया इसके अंदर, बहुत अच्छी बात है, फ्रंट बैक से हर जगह से जी टी लाइन ही लग रही है, काफी अच्छी गाड़ी तैयार कर दी। बाकी आप लोग बता देना भाई आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार बात कराता हूँ सीधा इन जिनकी ये गाड़ी है ना, एक बार उनसे कंफर्मेशन लेते हैं कि उनको ये सब कैसा लगा। सो गाइस गाड़ी का तो काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर है गाड़ी के ओनर, कैसे हो सर? बढ़िया। एक बार भी अपना नाम शेयर कर दो और कहाँ से आए थे आप? हम पानीपत से आए हैं, मेरा नाम तनिष है। पानीपत से आए हो भाई आप? हाँ जी। बड़ी दूर से आए हो यार, कैसा लगा भाई इतनी दूर, कैसे रहा सुभाष भाई के पास आना आपका? बहुत बढ़िया भैया, जो सोचा था पूरा वही काम करके दिया गया। तो इतनी दूर से अपना कैसे पता चला मतलब सुभाष कार स्टूडियो के बारे में? यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी थी। अच्छा, तो वहाँ पे जैसा समझ में आया वीडियो देख के आप यहाँ तक आए, काम कैसा मिला, मतलब एज इट इज सेम मिला है कुछ फर्क? हमारे लिए बहुत बढ़िया। देखो भैया 11:30 हो गए हैं भैया, बैठे हमारे बैठे हैं और अभी भी आपके चेहरे पे स्माइल है, चेहरे पे आपके स्माइल है, सारे चीज क्या पहले जब आप लेके आते हो बिल्कुल खाली खाली वाला फील आ रहा होगा ना, क्योंकि बेस मॉडल है और आप टॉप से कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जा क्रूज कंट्रोल अभी तक कुछ ही गाड़ी में क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो पा रहा है, जैसे सोनेट हो गई, वैनी हो गई, ठीक है, कुछ ही गाड़ी में हो पा रहा है, तो आपकी गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल भी आ गया, तो फीचर जो है फुल्ली लोडेड वाले हो गए। और गाड़ी का एक बार लाइट का रिस्पॉन्स दिखाना भाई, ऑन कर दो एक बार लाइट है, ये देखो हाई लो करना भाई इसको, ये देखो भाई हेडलाइट का रिस्पांस मैं भूल गया था, मैंने सोचा आपको साथ साथ में दिखा देता हूँ, तो ये कुछ रिस्पांस आपको हेडलाइट का देखने के लिए मिल जाता है। कभी भी आप अगर ये चीज इंस्टॉल करवा रहे हो ना तो रिस्पांस जरूर चेकआउट कर लेना, इतना ज्यादा रिस्पांस है भाई, क्या कहते हो रोड पे गाड़ी चलेगी? बढ़िया बढ़िया। पहले जो पीले वाले बल्ब थे वो कहाँ मार रहे थे? वो तो कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ सर बैठे हैं पीछे, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। एक बार आप भी बता दीजिए कुछ दो बोल आपके मुझे सुनना चाहते हैं। बहुत मजा आ गया इनकी वीडियो देख के, ठीक है, सब कुछ मतलब कहना जैसा आपने देखा था वीडियो देख के, और कैसा काम हुआ है गाड़ी में? बहुत बढ़िया हुआ, कहीं कुछ गलती हुई कुछ भी, कहीं परेशानी कुछ भी, मजा आ गया, सब कुछ बढ़िया? बहुत। चलो भाई भैया सर बता रहे हैं वो तो एक नंबर बता रहे हैं, बाकी तो आप बाद में बता, जब वीडियो अपलोड होगी ना तो एक बार आप बता जरूर देना कमेंट करके कि ये जो गाड़ी हुई थी वो अब भी परफेक्ट चल रही है, राइट? क्योंकि मेरी वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम जो लगेगा, 10-12-15 दिन लग जाएंगे वीडियो अपलोड होने में, लेकिन जैसी वीडियो आपकी गिरेगी ना तुरंत आप एक बार कमेंट करके बता देना भाई ये कमी है और ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि वो मैं सबसे बोलता हूँ भाई, कमियां पहले कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और बाई चांस अगर कोई कमी आ भी जाती है, देखो इलेक्ट्रॉनिक चीज है कुछ भी हो सकता है, अगर बाई चांस इसमें कुछ भी आती है तो आपका जो सुनवाई है ना पूरी 100% है, कोई टेंशन लेने की लोड ही नहीं, ठीक है भाई? हाँ जी। तो भाई ये कुछ कुछ इनका रिव्यू था गाड़ी का, आप लोग भी आ सकते हो सुभाष भाई के पास, रिकमेंडेड है भाई, बिल्कुल सब रिकमेंडेड है ना सोनेट के लिए, सबके लिए भैया। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो भाई इसी तरीके से आप लोग भी आ सकते हो भाई सुभाष कार स्टूडियो पे, करोल बाग में, दिल्ली में शॉप है, और सोनेट जैसी गाड़ी का भाई बना देते हैं, मोर मतलब बढ़िया तरीके से तैयार कर देते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, आप कभी भी आओ, आपको गाड़ी जो है बेस से टॉप कभी भी तैयार हो जाएगी। फिलहाल क्या करते हैं वीडियो को एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और जो प्राइसिंग की बात है ना मेरी सारी वीडियो देख लेना, अदर वीडियो देख लेना मेरे चैनल में जाके, आपको प्राइसिंग भी मिल जाएगी उसके अंदर बहुत कैडी वाली, क्योंकि हर वीडियो में प्राइस नहीं बता सकता हूं, तो जिस वीडियो में दिखा रखा है ना अदर वीडियो में जाओ, चैनल में घुस जाओ, वहां जाके चेकआउट करो, प्राइस भी मिलेंगे, हर एक पार्ट के प्राइस मिलेंगे आप लोगों को। करते हैं इस वीडियो को एंड, टिल देन पीस आउट, मिलते हैं फिर किसी एक नई सोनेट के साथ।